यहां पूछता है उत्तराखंड की, आखिरकार हाथ की सफाई से क्या कांग्रेस का होगा उद्धार। हार के बाद कांग्रेस में जारी है कोहराम, एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी। सोनिया गांधी के फरमान के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इस्तीफा देने के लिए बेताब बैठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। संगठन के नेता भी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे। गुटों में बटी कांग्रेस में इस्तीफों का दौर अब तेज होने जा रहा है, चौड़ी हो रही। कांग्रेस में कलह की दरार कई गुटों में कांग्रेस को बांट चुकी है। कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नया बवाल सामने आ गया। बवाल यह कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई। धारचूला के विधायक हैं हरीश धामी, जो कि हरीश रावत के खासम खास हुआ करते थे, उन्हें अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पहले प्रीतम सिंह के पास थी। अब एक तरफ प्रीतम सिंह का गुट है और दूसरी तरफ हरीश रावत का खेमा। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस हाथ की सफाई से, हाथ की सफाई मतलब सोनिया गांधी का आदेश, आलाकमान का आदेश, गणेश गोदयाल का इस्तीफा, अब कहा जा रहा है कि सफाई करो, सफाई करो और उसके बाद ही कांग्रेस का कुछ भला होगा। लेकिन सफाई नीचे से करने से क्या होगा, छोटों की सफाई करने से क्या होगा? के कामराज याद है आपको, के कामराज प्लान। कांग्रेस का वो चेहरा जिन्होंने संगठन के सर्वोच्च पद के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया था, लेकिन आज उत्तराखंड के भीतर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल कल यह था कि क्या हरीश रावत ने वाकई टिकटों को बेचा, जो इल्जाम रणजीत रावत ने उन पर लगाया। और अब एक नया बवाल, इस बात को लेकर कि नेता प्रतिपक्ष हरीश धामी कह रहे हैं मुझे बनाओ, गणेश गोदयाल इस्तीफा दे रहे हैं, हरीश रावत पर इल्जाम लग रहे हैं। वार पर वार और पलट पर पलटवार हो रहा है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी बीजेपी के घर से भी आ रही है। सवाल खड़ा हो रहा है, बीजेपी चौंकाएगी और किसे सीएम बनाएगी? बीजेपी नेता बेचैन है। उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर माथा पच्ची जारी है। ऋतु खंडूरी से लेकर प्रेमचंद अग्रवाल तक दावेदारी ठोक रहे हैं। तमाम दिग्गज विधायकों की दिल्ली दौड़ तेज हो चुकी है। बीजेपी के विधायकों का दिल्ली में डेरा जमा हुआ है। सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के चुनाव में क्या बीजेपी फिर से चौंकाने जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल आज कांग्रेस के घर में खड़ा है कि हाथ की सफाई सिर्फ और सिर्फ छोटे नेताओं पर ही क्यों? बड़े नेता जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, आज होगी इसी पर ही दिलचस्प चर्चा। लेकिन पहले तीन बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही पांचों राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया, तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ कि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने, जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, मैं समझता हूँ सबको त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस में जो परिवारवाद के कारण, जो वहाँ गांधी परिवार का जो वर्चस्व है उसके कारण कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है और आगे और भी बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले हैं देश में, इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। इस्तीफे की तो हरीश रावत जी तो एक कांग्रेस में ब्रांड है, उनके बिना तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना, मैं समझता हूँ उनको एक्साइड करके या उनको नेगलेक्ट करके तो नुकसान ही होगा पार्टी को। और अगर रावत जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की कोई बात आई है, तो सामूहिक रूप से बहुत इस्तीफे दिए जाएंगे हरिद्वार से। और जहाँ तक मंथन होगा और कार्यकर्ताओं में जो है जोश के साथ दोबारा लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस एक ब्रांड है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, आज भी लोगों के अंदर बसती है, इस चीज़ पर मंथन किया।
तो कांग्रेस में कोहराम है, आखिरकार ये कोहराम शांत कैसे होगा, क्योंकि मसला हाथ की सफाई से जुड़ा है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त सत्यवीर चौहान जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। अवधेश नोटियाल हमारे साथ, हमारे जो हैं वरिष्ठ पत्रकारों में से एक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश नोटियाल जी, कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस के नेता अभी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अवधेश नोटियाल जी आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है, एक हरीश रावत खेमा है, एक प्रीतम सिंह खेमा है। प्रीतम सिंह से पूछा हमने चुनाव से पहले कि प्रीतम जी ये खेमेबाजी कैसे बंद होगी, उनका सवाल था कौन सा खेमा, कैसा खेमा, बताओ कहां है खेमा, कौन कौन है खेमे में। अब इसका उत्तर तो उन्हीं के नेता दे रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस का कोहराम खत्म कहां होगा। हरीश रावत पर इल्जाम कि उन्होंने टिकट बेचे, रणजीत रावत कह रहे हैं कि मेरी तलवार ज्यादा धारदार है, और दूसरी तरफ हरीश धामी मैदान में आया कह रहे मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाओ। क्या इस्तीफा दे दिया बात खत्म, या कोहराम और बढ़ेगा? नहीं तिलक जी, इस्तीफा देने से बात खत्म नहीं होगी। देखिए सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमेशा अगर कोई भी पार्टी रहती है वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से शुरुआत करती है इन चीजों की, वाकई क्या चीजें हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या केवल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, आपने केवल 5 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे इस्तीफे मांग लिए हैं, क्या केवल उनकी जिम्मेदारी थी, केवल हार के लिए वो लोग ही दोषी हैं? क्या हार के लिए वो आलाकमान दोषी है जिसने रोड मैप तैयार नहीं किया, जिसने बताया नहीं हमने किस लाइन पे काम करना है? तो वो लोग वहां से इस्तीफे की शुरुआत क्यों नहीं होती है? क्यों जब तक कांग्रेस जो है गांधी परिवार से मुक्त नहीं होगी, गांधी परिवार के मोह पास में बंदी रहेगी, तब तक कांग्रेस की हालत यही होनी है, क्योंकि कांग्रेस अभी जो है नेतृत्व विहीन चल रही है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, क्या ये हरीश रावत मोह, आपने कहा गांधी मोह, क्या उत्तराखंड कांग्रेस को हरीश रावत का मोह है, और हरीश रावत के मोह में फंस कर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं उसका बंटाधार हो गया, क्या यही कहा जा रहा है? देख बिल्कुल सही कहा आपने, हरीश राव के मोह में गांधी परिवार फंसा, और गांधी परिवार जो ये आपसी मोह था उस मोह ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। केवल गणेश गोदियाल के इस्तीफे से बात खत्म नहीं होगी, अभी तो ये शुरुआत भर है। अभी देखिएगा कांग्रेस के अंदर क्या बवंडर मचने वाला है आने वाले टाइम में, ये बहुत ज्यादा होगा। अभी तो ये लड़ाई बिल्कुल शुरुआत ही लड़ाई है कि आपकी गणेश गोदियाल को आपने हटा दिया, लेकिन इस हटाने के कई मायने निकल के आएंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई होगी, अभी गढ़वाल कुमाऊं और जौनसार की लड़ाई होगी, ये लड़ाई बहुत ज्यादा अब जो है लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। जिस तरह से हरीश रावत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होलिका पर मेरा दहन कर दो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने टिकटों का वितरण किया, रणजीत रावत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। आप लगा लीजिए जो अगर आप प्रीतम खेमे की बात करें तो उनके लोग जो है सोशल मीडिया पर लगातार बैटिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। इधर गढ़वाल से जो राजेंद्र भंडारी है उनके लोगों ने तमाम सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया है कि जो नेता प्रतिपक्ष इस बार गढ़वाल को दिया जाना चाहिए। प्रीतम के लोग चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है प्रीतम सिंह ही बने रहे, वही अब हरीश धामी ने भी कुमाऊं मंडल से कह दिया है कि जो मेरे को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो अभी ये लड़ाई अभी ये फुटों पर शुरू हुआ है, अभी तो केवल दिल्ली वालों ने यहाँ तीली दिखाई है, अभी यहाँ बड़े बड़े विस्फोट होंगे आए दिन कांग्रेस में। अभी ये बिखराव की इन्होंने शुरुआत कर दी है। अगर ये चीज ये अध्यक्ष को से इस्तीफा नहीं लिया जाता और कहा जाता कि आप लोग जो है ग्राउंड जीरो पर दोबारा से काम करिए और मेहनत करिए, इसको और इम्प्रूव कीजिए, लेकिन जो ये लगा दिया गया कि इस हार के लिए केवल आप जिम्मेदार है, इस्तीफा दे दीजिए, तो ये इस्तीफे की आग शुरू हो गई है। ओके, कांग्रेस वाले भी आ गए, खामखा कमेंट करते हैं लोग, कहते हैं कि कांग्रेस वाले मुंह छिपा कर फिर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के नेता भी आ चुके हैं, हमारे साथ अनिल भास्कर जी आ चुके हैं। अनिल भास्कर जी कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर सोशल मीडिया पर देखिए आज सोनिया गांधी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पर आया, थोड़ा खामखा थोड़ा सा लेट हुए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता मुंह छिपाए फिर रहे हैं, है ना सर? देखिए कैसी कैसी बातें हो जाती। खैर छोड़िए सर, ये प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सुनने में आया नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजेंद्र भंडारी, अभी अवधेश नोटियाल बता रहे थे, हरीश धामी, पता नहीं कितने कितने दिग्गज, अब एक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए भी बवाल। और दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि हरीश रावत कह रहे हैं कि भैया मुझे होलिका दहन के दिन खत्म करो कहानी जी। अब ये इतना कोहराम कैसे होगा शांत? जल्दी शांत हो जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, और स्थिति ये है कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल भास्कर जी। अच्छा, और जैसा उम्मीद है सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव की बात है सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में हमारे लिए वो है। अच्छा, और जैसा भी अवधेश नोटियाल जी बोल रहे थे कि गांधी परिवार से जब तक नहीं छूट जाएंगे ये नहीं है, उस तरह की बात है, उस गांधी परिवार से ऐसी कौन सी दिक्कत है देश को, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस को दिक्कत नहीं है,
और वो जो G23 के लोग जिनकी बात करते हैं वो लोग भी आकर के कमान संभालने को तैयार नहीं होते हैं और वो सिर्फ बाहर खड़े होकर कुछ और बोलते हैं, CWC में आकर के बोलते हैं कि जो सोनिया जी कहेंगी वही सही है। नहीं, नहीं, तो उत्तराखंड में ये है ना कि जो हरीश रावत जी बोले वही सही है ना, खाता ना बही। हरीश रावत क्या बोलते थे? खाता ना बही, जो हरीश रावत बोले वही सही, यही बोलते थे ना हर दम। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में आके बोलते थे वो, CWC में तो यही बोलते थे सोनिया जी, यही बोलते थे ना सर, मैं भूलता नहीं, हमारी नेता है वो, और निर्विवाद नेता है हमारी। सर आप ही के विद्वान नेता पर एक विद्वान नेता आरोप लगा रहे हैं, आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने टिकटें बेच दी। अब बताइए, मतलब हरीश रावत पर आरोप कि उन्होंने टिकटें बेच दी और उनके मैनेजर पैसे नहीं दे पा रहे, आप ही के नेता कह रहे हैं कि टिकटों का सौदा हो गया और आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। देखिए वो नेता से अधिक वो परिवार, वो रावत जी के पारिवारिक मित्रों में से रहे हैं। ना ना ना, आज उनके विचार थे, पूरी बात बोली ना, थे हाँ थे, मैं आज वही बोलने जा रहा था मैं, हाँ। आपने बीच में रोक दिया, तो आज वो भले ही अलग अलग है, वो स्थिति अलग है कि उनको इतने स्तर पे आकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं स्वीकार करता हूँ, रणजीत रावत सच बोल रहे हैं या फिर हरीश रावत? नहीं मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन सच बोल रहा है, लेकिन सच बोल ले लिया, बात खत्म। और जो है जी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया, बात खत्म। नहीं, पांचों स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लिया गया है और सोनिया जी ने पहले खुद कहा है कि हम वो अपना अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार है निश्चित रूप से, क्योंकि समय आ रहा है, अगस्त तक चुनाव हो जाएगा, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की हालत का जिम्मेदार कौन है मुझे इतना बता दो बस, साहब कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार हैं, सभी संगठन के लोग, सभी हम लोग, हम भी शामिल है, मैं भी प्रदेश कांग्रेस का, मैं भी प्रदेश कांग्रेस देंगे। चेहरा तो हरीश रावत था ना जी? चेहरा तो हरीश रावत का था ना? हाँ चेहरा हरीश रावत है, तो लेकिन चेहरा रावत जी का जो है वो पद पे तो नहीं थे, जो 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 जिम्मेदारी उनके पास थी वो चुनाव तक की थी, तो इस प्रकार से करते हैं। मैसेज आया उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए राजनीति से, यस और नो? ये तो निर्णय उनको करना है कि वो आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ओके, आप सलाह नहीं देंगे उनको कि बस बहुत हुआ? उनको सलाह देने वाले हम बहुत कौन हुए, हम तो चाहेंगे अभी बहुत चुनाव लड़े। सत्यवीर जी सुना आपने, कह रहे कि वो चाहते हैं कि हरदा, जिन्हें आप हारदा बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ते रहे, हमारी चाहती है, जीते ना जीते वो अलग बात है, पार्टी का बंटाधार हो वो अलग बात है, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। मगर सुनने में आया है कि आपके घर में भी बेचैनी कम नहीं है, देहरादून से ज़्यादा दिल्ली में विधायक डेरा जमाए हुए हैं, मालूम है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो भारत के प्रथम CDS और पद्म विभूषण से अलंकृत जनरल बिपिन रावत को आपके माध्यम से उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। दूसरा बात आ जाते हैं कि अब कांग्रेस की राजनीति इसमें इस समय क्या चल रही है, चाहे वो चुनाव से पहले चाहे चुनाव के बाद। देखो आपको इस पृष्ठभूमि को अगर समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो कांग्रेस का इतिहास रहा, कांग्रेस पार्टी किसने बनाई, तिवारी काल में जाए, कब जाए, कौन से काल में जाना है बताइए, तिवारी काल में, कांग्रेस के बौगड़ा काल में, कौन से काल में? नहीं उत्तराखंड बनने से पहले के थोड़े से काल में भी जाइए आप, कि भाई इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की विचारधारा क्या थी, कि भाई कांग्रेस क्यों बनी, ठीक है, और कांग्रेस को बनाने वाला कौन था, कांग्रेस को किसने बनाया और किस लिए बनाया, क्या इसका आने वाले समय में लाभ होने वाला था देश को या राष्ट्र को लाभ होने वाला था, भाई इसको बनाने वाला एक अंग्रेज था। अब उस विचारधारा की जब जिसने भारत को गुलाम करके रखा, उस विचारधारा से अगर कोई पार्टी बनती है तो इस प्रकार की चीजें इतिहास में जाएंगे, तो इतिहास में यह भी कहा जाएगा कि आपने अंग्रेजों से माफी मांग ली है ना सर। गलत बयानबाजी ना करें, आप निवेदन है मेरा आपसे सत्यवीर जी, अगर आप तरीके से बात कर सकते हैं तो करें, झूठे आरोप लगाने वाले काम ना करें। जिम्मेदारी के साथ बैठे आपको, तुमने क्या किया अंबेडकर, अरे जीवित रहे बात कर दो, सही बात के साथ तुमने क्या किया, बिना तथ्य की बात करते आप लोग, पहले सुनने का मान रखा करो, भास्कर जी एक मिनट, एक मिनट सत्यवीर जी, सत्यवीर जी प्लीज, सत्य पर बोलिए, मजाक तुमने देश के साथ, उत्तराखंड के सामने बोला,
सत्यवीर जी सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल लगता है जनता तो आपके भास्कर जी सत्यवीर जी प्लीज मेरा सवाल को ध्यान से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सवाल को ध्यान से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। आप कांग्रेस को फॉलो नहीं कर रहे ना, आपकी अपनी विचारधारा है, अपने लोग हैं, अपने समर्थक हैं, है ना सर, पूरे देश पर रहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मेरा ये कहना है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा सर, मैंने ये कहा कि देहरादून से ज्यादा विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरा ये बात बताइए, क्या दिल्ली भारत से बाहर आता है? हमारे नेता है, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर, हमारे राज्यसभा के सांसद है, हमारे लोकसभा के सांसद है, आपके विधायक चुनाव जीतकर दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या हमारा नेतृत्व, क्या दिल्ली से चुनाव के समय जब हमने यहाँ पर उनको प्रोग्राम दिए थे, कार्यक्रम दिए थे, क्या वो हमारी सहायता करने यहाँ पर उत्तराखंड के जो विधायक जो चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे थे, क्या वो सहायता करने गए, क्या धन्यवाद या शिष्टाचार भेंट करने गए? इंडिया गेट पर फोटो खिंचवा रहे हैं, इसमें कौन सा राजनीतिक दल नहीं जाता है? सर मैं समझ गया, आपके नेता इंडिया गेट पर फोटो खिंचवाने गए, आइसक्रीम खाने गए, मैं समझ गया। मेरा दूसरा सवाल, ऋतु खंडूरी, प्रेमचंद अग्रवाल, ये खुलकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी के इन विधायकों को जो वरिष्ठ नेता हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जो करेंगे वो मोदी जी करेंगे? दिल्ली दौड़ से क्या फायदा होगा? किसी को मालूम था कि धामे जी आ जाएंगे, किसी को मालूम था कि तीरथ सिंह रावत आ जाएंगे? नहीं मालूम था ना, तो इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो करेंगे वो मोदी जी करेंगे, दिल्ली दौड़ लगाने से क्या फायदा? देखो कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब हमारे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मीडिया के मित्रों ने पूछा था कि आप मुख्यमंत्री किसको चुनना चाह रहे हो या कुछ और नया करना चाह रहे हो, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, ये मीडिया के सामने भी पटल पे भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी लोकतंत्र भी है, उस लोकतंत्र का ये उन्होंने प्रारूप बताया कि भाई पहले विधायक मंडल की बैठक होगी, उसमें नाम तय होंगे, उसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के सामने रखे जाएगा, जो नाम उसमें तय होगा सबको स्वीकार्य होगा, ठीक है। अब दूसरा ये बात रही, तो जो दिल्ली में लॉबिंग क्या चल रही है सर, मैं समझ गया, हमार को आपने बता दिया कि धामी जी को विधायकों ने चुना और विधायकों ने सर्वसहमति से धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, सर्वसहमति से तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने थे, विधायकों की पसंद थी, विधायकों की पसंद के अनुसार निशंक जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था और विधायकों की पसंद के अनुसार खंडूरी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दिल्ली में कर क्या रहे हैं आपके नेता? मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि जब यह चुनाव हो रहे थे उत्तराखंड में, हमने राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत अपने जो केंद्र में नेता है उनको यहाँ बुलाया कि भाई इन इन क्षेत्रों में जाइए, इन इन प्रत्याशियों की आप उनके लिए कंपेनिंग के लिए, तो उन्होंने जो जो प्रत्याशी विजयी होके आया उसमें से कोई हारे भी है, कम वोटों से भी हारे हैं, वो भी दिल्ली गए हैं, वो अच्छा। उनका धन्यवाद करने गए, शिष्टाचार भेंट करने गए हैं, और यहाँ के उत्तराखंड के जो अवधेश जी मुझे एतराज है आप पर, आप ये बेफालतू की अफवाह फैलाना बंद करिए। आप कह रहे थे जो इंडिया गेट में फोटो खिंचवाने कह रहे हैं, वो फोटो खिंचवाने गए हैं सब इंडिया गेट पर, आइसक्रीम खाने गए हैं। आप यूं अफवाह मत फैलाइए कि सारे के सारे जो है मुख्यमंत्री बनने की चाहत में दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, आपने ये अफवाह क्यों फैलाई अवधेश जी? देखिए चाहत तो हर एक की होती है और चाहत करना कोई बुरी बात नहीं है, तो तमाम आप जानते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस या हर दूसरा नेता खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता और हर एक की इच्छा है कि उसको जो है बेहद कम समय के लिए मिले लेकिन मुख्यमंत्री पद मिले। तो देखिए लॉबिंग तो हर एक को करनी है, किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए करनी है और किसी को मंत्री पद के लिए, तो खैर दिल्ली जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्थितियां जो है बिल्कुल बदली हुई है। वर्तमान में देखेंगे तो भाजपा में जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तमाम दौर की बैठकें मीटिंगें तमाम चल रही अटकलें हैं, वहीं कांग्रेस में भी जो है तूफान आया हुआ है दिल्ली से लेकर और उत्तराखंड तक। सवाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खड़ा कर रहे हैं कि हम तो इस्तीफे नहीं देंगे, अभी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ लेकिन बहुत सारे पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा, हमने बोला कि अब जब प्रदेश अध्यक्ष हट गए तो आप भी हट गए, बोला हम कैसे हट गए, हम तो आज इस्तीफा मांगा ही नहीं गया है। तो मैंने कि पार्टी में तो ये होता है कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया पूरी कार्यकारिणी भंग हो गई, आप लोग भी बिना पद के हो गए, बोला ऐसा नहीं, हम नहीं, जब तक हमसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता तो हम इस्तीफा नहीं देंगे।
तो कहीं ना कहीं जो ये जल्दबाजी करिए इस्तीफे की, पहले जो हार जो 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 कांग्रेस ने प्लान तैयार किया था कि पहले हम होली के बाद हार पर मंथन करेंगे, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी जो है दिल्ली वालों ने कर दी इस्तीफा लेने में, और कहीं ना कहीं ये हर जगह फैलेगी। देखिए अगर हम पड़ोसी राज्य की ले लें तो वहां पर जो है प्रियंका गांधी पूरा चुनाव लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश का बेटी हूं लड़ सकती हूँ, तमाम उन्हीं वही कैंपेन कर रही थी, हर पोस्टर में वही थी। तो कहीं ना कहीं पहले जो इस्तीफे थे वो प्रदेश प्रभारियों से मांगे जाने थे कि आप लोग वहां कर क्या रहे थे और आपने किया क्या, ये रिजल्ट आया क्यों। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष पर उत्तराखंड की बात करो, बिल्कुल मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो पा रहा है कि जो गोदियाल मात्र 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आए थे, आप उनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि वो 6 महीने में क्या कर देंगे। आपने पूरा चुनाव हरीश रावत के चेहरे पे लड़ा। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं भास्कर जी, हो सकता है कि आप अपनी सोच और नजरिए से, हम कोई गणेश गोदियाल के फैन नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा फैसला किया था उत्तर प्रदेश में, अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। आप लोग बीमारी की जड़ पर नहीं जा रहे, आप टहनिया काट रहे हैं। अजय कुमार लल्लू जिन्हें आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कितनी सीटें आई कितनी नहीं आई, कौन हारा कौन जीता, कितने परसेंट वोट मिले, लेकिन दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा किया या नहीं किया। आपने गलत व्यक्तियों पर गाज गेरी है, वो आपकी पार्टी का फैसला है, लेकिन मेरा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है जो अवधेश जी कह रहे हैं कि आपसी गुटबाजी ने जब कांग्रेस का बंटा धार कर दिया तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत के कंधों पर ही नहीं, प्रीतम सिंह के कंधों पर भी होनी चाहिए। अगर पार्टी दो धड़ों में खड़ी हुई दिखाई दी, खंड खंड दिखाई दी उत्तराखंड में, तो उसके जिम्मेदार प्रीतम सिंह भी हैं, हरीश रावत भी हैं, हरीश धामी भी हैं, और इसके साथ साथ वो नेता भी हैं जो खुद को कह रहे थे कि मैं हरीश रावत को नहीं जानता, रणजीत रावत, वो भी जिम्मेदार है कि नहीं बोलिए। और यहाँ के प्रदेश प्रभारी भी जिम्मेदार है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी उत्तराखंड को जिताने की, प्रदेश प्रभारी का नाम भी नहीं जानते जिम्मेदारी के कार्यकर्ता। देखिए आपने जो कहा, अवधेश जी ने जो कहा, अभी उनको पद से हटाया गया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, मतलब हम उस पर ऐसे गंभीर स्थिति में आ रहे हैं कि जैसे उनको पार्टी से हटा दिया गया हो सकता है उनके लिए कुछ नई चीजें सोची गई हो, या हो सकता है वो पुनः उनको दोबारा से अध्यक्ष बनाया जाए, या बहुत सी चीजें होती हैं। अच्छा, जो निर्णय हुए हैं निश्चित, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो निर्णय हुए हैं राहुल गांधी थोड़ी ना दोबारा से अध्यक्ष बना देंगे आप उनको। जी राहुल गांधी थोड़ी ना दोबारा से अध्यक्ष बना देंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अगर राहुल गांधी भी अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है, भले ही वो आम लोगों की भावनाएं उसमें बीजेपी वालों की भावनाएं नहीं हो, लेकिन वो हमारी भावनाएं हैं कि वो अध्यक्ष बने। और निश्चित रूप से एक बात और कहना चाहता हूं तिलक जी, बात से टॉपिक से हट करके, जो उनका कार्यकाल रहा जितना अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से अगर आप उसमें उसको देखेंगे तो 90% वो नंबर के साथ पास हुए हैं, अगर आप उसको ढंग से ईमानदारी के साथ उसकी तुलना करेंगे तो, जितने समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, निश्चित रूप से आप उसको उस हिस्से को निकाल के हम सब लोग बात करते हैं। राहुल जी का जिक्र किया इसलिए मैं उस विषय पर, आपने राहुल जी का जिक्र किया इसलिए मैं उस विषय पर गया, आप ही उस विषय पर ले गए थे इसलिए मैं उस विषय पर चला गया। मैं तो कह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार सिर्फ हरीश रावत नहीं है ना, इसके जिम्मेदार तो प्रीतम सिंह भी होंगे, गणेश गोदियाल हैं, इसके जिम्मेदार तो फिर प्रदेश प्रभारी भी हैं, रणजीत रावत भी हैं जो कह रहे हैं कि टिकट बेचा हरीश रावत ने, तो फिर ये सारे जिम्मेदार सामूहिक नेतृत्व, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से सामूहिक जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह, रावत जी आज की तारीख में किसी पद पर नहीं है, सीडब्ल्यूसी के सदस्य जरूर हैं वो अभी आज की तारीख में, लेकिन प्रीतम सिंह जी अब नेता प्रतिपक्ष एक तरह से समझ लीजिए, जो भी अब आपको मालूम है नई सरकार बनी है तो नए नेता प्रतिपक्ष बनने हैं, तो अभी उनके पास भी कोई पद नहीं है, एक पांच पद जो है अध्यक्ष का बनता है, नेतृत्व तो उन्हीं के हाथ में था, तो इसलिए उनको उनसे इस्तीफा लिया गया है सत्यवीर जी तो। लेकिन ऐसा एक मिनट में अपनी बात कह दूं, एक मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हटा करके कोई उनके साथ ऐसा किया गया हो कि भविष्य में उनको पद नहीं दिया जाएगा या कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, उनका महत्वपूर्ण रोल कांग्रेस परिवार के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेगा और आगे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो उनको कहीं ऊपर की तरफ या अध्यक्ष वाले पद को दोबारा से उनको लाया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि सत्यवीर जी नहीं। एक मिनट बोलने में क्या जाता है, कोई बात नहीं। सत्यवीर जी सुना आपने भास्कर जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हमारी कांग्रेस ऑल इज वेल, हमेशा ऑल इज वेल, हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क मैं तो केवल एक ही बात का जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने हमारे ऊपर पार्टी उठाई कि भी राहुल गांधी अध्यक्ष बने, कांग्रेस जनों की हरीश रावत पे रहिए, राहुल गांधी पे बाद में, पहले हरीश रावत पे रहिए, हरीश रावत को बलि का बकरा बनाया गया लगता है आपको, हरीश
हरीश रावत में मैं आऊंगा, पहले मैं उनकी बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस के तो सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी बने और बीजेपी वाले नहीं चाहते। हम भाई हमारा आपके आप किसी को बनाओ अध्यक्ष, हमें उससे क्या मतलब। 1990 के दशक से अभी तक एक ही परिवार का बनता हुआ, हमने तो कभी आपत्ति नहीं करी। आपका अंदरूनी मामला है, आप जिसको बनाओ हटाओ, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। आप इतिहास पढ़िए, 90 के बाद कौन कौन मनाया, इतिहास पढ़िए 90 के बाद कौन कौन मनाया पहले। अरे यार ना भाई, अपने आप पढ़ लीजिए, इतिहास आप पढ़िए, आप पढ़िए ना इतिहास। अरे इतिहास मत खुलवाओ, कांग्रेस का क्या इतिहास है, ठीक है। इतिहास आपने पढ़ा नहीं ना, इसलिए आप खोल नहीं सकते। अभी तक मैं आपको इतिहास ठीक से पढ़ा ही नहीं है, आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। अरे आप मेरे टीचर नहीं हो, ठीक है, आप इतना मुझे मत बताइए। हम तो टीचर भी नहीं, हम तो सिर्फ ना बताइए। अरे सुभाष चंद्र बोस से लेके इतिहास बता रहे हो, इसलिए बता रहे हैं आपको। सुभाष चंद्र बोस के बाद पहले आप पार्टी से नहीं, पहले 90 के बाद आप खुद सोच लीजिए कौन कौन बना 90 के दशक में। बताइए ना जो बात आपने पहले देखी है, आपको जवाब देंगे। जिस पार्टी के 11 अंग्रेज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो तो उस पार्टी का चाल चलन मैंने ये कहा 90 के बाद कौन कौन बना है। आपने पहले टॉपिक से क्यों भागते हैं, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप कभी कोई बात, कभी दिल्ली की बात, कभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 90 के बाद कौन बनाए, राहुल गांधी नहीं, हरीश रावत बता दो दिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बने, अब कौन बनाया, किसने बनाया, राजनीति में नहीं थे एक मिनट, आपको ये जानकारी नहीं है, एक मिनट आप जानकारी लेके आया कीजिए। जब आप टीवी पर बात कर रहे भास्कर जी, 90 के बाद कौन कौन बना, आप 90 से लेके आज तक दो ही आदमी बने हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मान लीजिए बस राहुल गांधी भैया। इसका मतलब आप स्कूल ही नहीं गए ना, कभी पढ़े हैं ना, आपको जानकारी है, आप पहले जानकारी लीजिए, बाद आप लोगों के सामने मजाक मत बनवाइए, अपना मजाक मत बनवाइए। रुके रुके, 90 के बाद की बात किया, कौन कौन मना है, पहले आप सुनिए, पहले आप मान लीजिए, सत्यवीर जी आप मर्यादा की बात, आप गलत तत्व की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जब आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, जानकारी लेके आइए, पहले सुन लीजिए, पहले सुनने का मादा रखिए करिए, जब आप बोलते हो मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूँ, सत्यवीर भाई आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाते हो, तो मैं गलत भी नहीं बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता हूँ ना, मौका नहीं दे रहा हूँ आपको बोलने का, आप गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे हैं। हमारा राहुल गांधी से क्या नाता है, हम अध्यक्ष बने ना बने, आप कौन उंगली उठाने वाले होते कि हम नहीं चाहते। जी हरीश रावत क्या मतलब उससे, खुद ही आप हरीश रावत फिर हमसे कह रहे हैं, गलत इतिहास बता रहे हैं, बलि का बकरा बनाया गया, राजनीति की शाखा में जाते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन गलत तथ्य मत पढ़िए। भास्कर जी इतना गुस्सा तो हरीश रावत का नाम सुनकर आपको, राहुल गांधी का नाम सुनकर आपको, 90 के बाद कौन बना ये बताइए सर, 90 के बाद कौन बना ये बता दीजिए सर, सुनिए चार बार बता चुका हूं मैं आपके सामने, सोनिया गांधी के मुद्दे पर आए हो गया है, आप बस कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, देश की सोच लीजिए पूरा। मैं आप हरीश रावत की बात करना चाहूंगा, ये हरीश रावत की बात जब इन्होंने हरीश रावत माननीय हरीश रावत जी ने बहुगुणा जी को पटकनी दी, ठीक है, उसके बाद जब इनका ये स्थिति आज पैदा ना होती, अगर ये ऑडियो और वीडियो जब लीक हुए थे कांग्रेस उसी समय एक्शन ले लेती कि इन्होंने उत्तराखंड के जनमानस के खून पसीने का पैसा किस तरीके से गांधी परिवार तक पहुंचाया, और उन्होंने कहा मैं भी लूटू आप भी लूटो, अगर उसी समय कोई एक्शन ले लिया जाता तो ये कांग्रेस के अंदर ये आज दुर्गति ना होती कि वो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते। मैं तो यही चाहूंगा कि एक अच्छा विपक्ष हमको मिले, मगर किस तरीके का विपक्ष मिलेगा। आज ये सोचिए हरीश रावत इस स्थिति में आ गए हैं, जैसे कि इनके पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थिति में आए थे, चाहे आप सीताराम जी को ले लीजिए, चाहे जगजीवन जी को ले लीजिए, जब सीताराम जी सब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, नेम प्लेट को किस प्रकार से जनपद पर फेंका गया, उनको किस प्रकार से लाभ लगा, और सुन तो लो पहले, और पीबी नरसिम्हा राव इस देश के और कांग्रेस के सदस्य से लेकर पदों पर अलंकृत रहे, मैं आपके घर पर आऊं, उनका राष्ट्रीय कार्यालय में स्थान नहीं दिया, सर सारे सवालों का जवाब एक सवाल दे रहा हूँ, पूरा देश जानता है आपके चरित्र को, बताने वाले जनता जानती है, सत्यवीर जी कार्यक्रम,
ठीक है। अरे आप गलत बताओगे तो क्या सुनेंगे आपको, गलत सुनेंगे क्या हम? सत्यवीर जी आप सही अपनी सही इतिहास बताइए, सही जानकारी दीजिए। अभी आप आ गए नरसिंह राव और उस पर सीताराम केसरी जी पर, बोले ना जानकारी सत्यवीर चौहान जी सुन लीजिए, सुन लीजिए एक मिनट, सुनिए ना सवाल सुन लीजिए। सत्यवीर जी, सत्यवीर जी क्यों राहुल नाम की माला जप रहे हैं? फिर कहते हैं राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है। आधे घंटे में 600 बार आपने राहुल गांधी बोल दिया। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए ना। मैं हरीश रावत पे सवाल पूछता हूँ, आप राहुल गांधी बोलने लगते हैं। एक मिनट भास्कर जी, एक सेकंड भास्कर जी, एक मिनट सत्यवीर जी, सवाल मेरा हरीश रावत पर, राहुल गांधी माला जपना बंद करिए, मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं ना, छोड़िए सर, एक नाम पूछता हूँ आपसे, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति लग रहे हैं। के कामराज का नाम सुना है? के कामराज का सुना है सर? कौन था क्या आश्रय किया उन्होंने, क्या 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 आश्रय किया उसका उन्होंने, ये बता दीजिए सर। मैं पूछ रहा हूँ, के कामराज का नाम आप बता रहे थे ना, ये इतिहास पीवी नरसिम्हा राव सीताराम येचुरी, के कामराज का नाम सुना है? के कामराज, हाँ मैंने सुना है, कांग्रेस पार्टी के थे। और बता दी, अब मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा उनके साथ क्या आश्रय, बता दीजिए मुझे। तो सर फिर मैं उसके बाद ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे कि वो उनके घर का मसला है, जैसे आपसे मैं पूछूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया था आपने, तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाया था? अच्छा बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल विनम्रता से आपको मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। क्यों हटाया था? ठीक है, अब मैं बिल्कुल, आप त्रिवेंद्र को भी पूछ सकते थे कि धामी जी को क्यों लाए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा अपना मामला है, किसी को हटाए मतलब ये आपका अपना घर का मामला है, उनके घर का मामला नहीं है। सुनो सुनिए 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 पूरा त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटा रहे हैं, जनता को नहीं बताएंगे आपके घर हमारे घर का मामला? पूरा पूरा पहले पूरा सुन लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत का कोई एक बयान आया हो जिससे पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को आघात पहुंचाओ, यही तो बात है, यही तो बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले कि मुझे ही नहीं मालूम कि मुझे क्यों हटाया, तो फिर सवाल वही खत्म हो जाता है सर। ये आप बता रहे थे ना मुझे, कैलाश विजयवर्गीय समझा रहे थे कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, मैं वही आपको बता रहा हूँ सर, ये लोकतंत्र। एक बता दीजिए, मेरे एक बात बता दीजिए, बहुगुणा जी भी, बहुगुणा जी को पटक नहीं दी हरीश रावत ने कि उनका घर कैसे बिखरा? बहुगुणा जी हमारे बता दीजिए, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत को हटाया किसी के मुंह से, बहुगुणा जी को क्यों हटाया बताऊं, क्यों हटाया आप सुन लीजिए ना, बहुगुणा जी को क्यों हटाया मैं बता देता हूँ आपको। वो जो परेड ग्राउंड पर देश के प्रधानमंत्री जी स्कूटर के नंबर गिनवा रहे थे, वो इसलिए हटाया था उनको, नंबर याद है स्कूटर के, याद दिलाऊं आपको सर, छोड़िए ये सियासत। अरे वो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली में उस समय था, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपके नॉलेज में नहीं होगा मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली में मैं उस समय था, ठीक है, साउथ दिल्ली में रहता था। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मोदी जी, सुन लीजिए मेरी बात, मैं उस समय दिल्ली में रहता था, दिल्ली में हजारों ट्रक जो राशन के भरे पड़े थे वो केदारनाथ आपदा में राहत के लिए भेज रहे थे स्वयं सेवियों द्वारा, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग थे, मगर वो नहीं भेजे गए। क्यों नहीं भेजे गए? क्योंकि राहुल गांधी उस समय भारत में नहीं थे, उसका रिबन काटना था। सत्यवीर चौहान जी, भास्कर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक बार फिर से सबका ऑडियो नीचे, चलते चलते एक बार फिर से देश की नई सरकार के इतर प्रदेश की नई सरकार, प्रदेश की नई सरकार जो भी बने मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल यही जो पिछले चार दिन से पूछ रहा हूं, नया मुख्यमंत्री कोई भी बने क्या वो गैरसैंण में जाकर शपथ लेगा? कोई भी मुख्यमंत्री बने क्या वो शपथ गैरसैंण में जाके लेगा मुख्यमंत्री? इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।